दोस्तों, क्या आपको पता है कि आईफेल टावर को पेंट करने में कितना पेंट खर्च होता है? और ऐसा क्या हुआ कि बीबीसी न्यूज वालों को न्यूज की जगह पर पियानो म्यूजिक बजाना पड़ा था? और बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के बाहर की ग्लास विंडो की सफाई कैसे की जाती है? ऐसे ही 5 अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। नंबर 5। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बना आईफेल टावर, इसको पेंट करने में 60,000 किलो पेंट खर्च होता है और हर 7 साल में एक बार इसको पेंट किया जाता है, जिसमें 15 से 18 महीनों का समय लगता है। नंबर 4। 18 अप्रैल 1930 को बीबीसी न्यूज वालों को रात 8:45 पर एक समाचार बुलेटिन प्रसारित करना था, लेकिन बीबीसी वालों के पास उस समय कोई भी न्यूज ना होने के कारण बीबीसी न्यूज वालों ने अपने समाचार बुलेटिन में कहा, गुड इवनिंग, टुडे इज गुड फ्राइडे, देयर इज नो न्यूज। इसके बाद एक पियानो म्यूजिक चला दिया गया। इस तरह का वाक्या केवल एक ही बार हुआ है, क्योंकि न्यूज चैनल वालों के पास कोई भी न्यूज ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नंबर 3। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। इस बिल्डिंग की चमचमाती ग्लास विंडो यानी कि शीशे की खिड़कियां भी दुबई में आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इस बिल्डिंग को साफ रखना कोई साधारण काम नहीं है। बढ़िया नज़ारे के लिए शीशे की बनी सारी खिड़कियां साफ होनी चाहिए, लेकिन इतनी ऊंची बिल्डिंग के बाहर से उसकी खिड़कियों को साफ कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। ये काम खास प्रतिभा वाले लोग ही करते हैं, जिन्हें खास तरह से ट्रेनिंग भी दी जाती है, और ऐसे लोग चुने जाते हैं जिन्हें ऊंचाई से डर ना लगता हो। इसकी ग्लास विंडो को साफ करने में 3 महीने लगते हैं और साल में 4 बार इनकी सफाई की जाती है। ग्लास विंडो की सफाई के लिए हवा की दिशा और धूप का भी खास ध्यान रखा जाता है, साथ ही सफाई कर्मियों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। सफाई करने वालों को गर्मियों के दिनों में खास तौर के मून सूट पहनने के लिए दिए जाते हैं। सफाई के दौरान शरीर में गर्मी से पानी की कमी ना हो, इसके लिए हाइड्रेशन पैक भी दिया जाता है। विंडो की सफाई किस तरह से की जानी है, ये सूर्य की किरणों की स्थिति के अनुसार तय होता है। सफाई कर्मियों को रोप की सहायता से ऊपर भेजा जाता है और इनके लिए सभी सुरक्षा इंतजाम भी किए जाते हैं। नंबर 2। हम सभी ने नोकिया फोन जरूर देखा होगा और ये भी देखा होगा कि जब फोन को ऑफ करके फिर से ऑन किया जाता है तो दो लोगों के हाथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों हाथ किसके हैं? ये बात आपके मन में भी कभी न कभी तो जरूर आई होगी। तो आपको मैं बता दूं कि उसमें से एक हाथ एक बच्चे का है, जिसका नाम जैकरी जॉनसन है, और दूसरा हाथ एक महिला का है, जिसका नाम मार्था स्टीवर्ट है। नंबर 1। दुनिया की फेमस मूवी में से एक टाइटैनिक, ये मूवी सिनेमा हॉल में इतना अधिक चली थी कि इसकी रील बुरी तरह घिस गई थी, लेकिन लगातार बढ़ रही डिमांड के कारण पैरामाउंट पिक्चर को और रील भेजनी पड़ी थी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ढेर सारा प्यार ऐसे ही हमें देते रहें। धन्यवाद।